आए हिंद कोचा धामन के अध्यक्ष और राजद के वरिष्ठ लीडर अलहाज इजहार अस्मी साहब। हाल ही में इन्होंने गठबंधन की बजाय MIM को सपोर्ट करने का भरोसा दिलाया है और बल्कि उनकी उनके साथ खड़े भी नजर आए हैं। तो आइए सीधे उनसे जानते हैं कि क्या वजूहात रहे हैं कि इन्होंने गठबंधन की बजाय MIM को सपोर्ट देने का फैसला लिया है। जी हाँ निहाल साहब, आपने जो गठबंधन की बात कर रहा है, जी हमारे हिंदुस्तान ही में गठबंधन का कोई अस्तित्व है नहीं है। ये लोग सिर्फ अपना रोटी पकाने के लिए, अपना कुर्सी बचाने के लिए सबको एक बार गठबंधन में लाते हैं, फिर अलग अलग हो जाते हैं। सारे जगह अलग अलग हो गए, हमारे बिहार में कहते हैं कि यहाँ पर गठबंधन में हम लोग रहेंगे। मुझे ये यकीन नहीं हो रहा है, हमको ये हजम नहीं हो रहा है, हम यकीन नहीं कर पाते हैं उन लोगों की बातों को कि ये बात बोल रहे हैं कि हम लोग गठबंधन में रहेंगे। हमको यकीन नहीं हो रहा, इसलिए मैं अपना फैसला लिया कि आज के दिन में हमारे किशनगंज कंस्टिट्यूंसी में कम से कम ये अखरुल ईमान जो इतने दिन से मेहनत किए हैं जी, वो अच्छे नेता हैं और लोगों के दुख दर्द में काम आने वाला नेता है। इसलिए हम अपने पूरे दिलो दिमाग में रिसर्च करके ये फैसला लिया है कि इस बार हम लोग असदुद्दीन अवैसी का पार्टी का कैंडिडेट अखरुल ईमान साहब को पार्लियामेंट भेजेंगे। लेकिन अस्मी साहब, जिस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं उस पार्टी के बारे में आमतौर पर ये कहा जाता है कि MIM एक सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम करने वाली पार्टी है और MIM का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वजूद नहीं है। उसके बावजूद अगर आप MIM को सपोर्ट करेंगे तो क्या ये नहीं है कि साहब यहाँ के मुसलमानों का वोट जो है वो बिखर जाएगा? नहीं, मुसलमान और हिंदू की बात फिर करके अपना लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। नहीं, ये बात इसलिए मुसलमानों की बात यहाँ इसलिए कही जा रही है क्योंकि किशनगंज जिले की अगर हम बात करें तो ये मुस्लिम अक्सरियत जिला है, यह मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। हैदराबाद में जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब रहते हैं जी। जिस तरह से यहाँ पर MGM में दिलीप जायसवाल जी को लोग कम्युनल कहते हैं, लेकिन वो जितना हिंदू का इलाज नहीं करते उससे कई गुना मुसलमानों का इलाज करते हैं। ठीक है, और हैदराबाद के लोगों से पता किया मैंने, हम यहाँ से लोगों को भेजकर भी पता किया कि यही रवैया जनाब असदुद्दीन अवैसी भी हैदराबाद में करके रखे हैं। यहाँ पर सिर्फ लोग उस पर इल्जाम लगाते हैं, बेशक वो हिंदू को जितना मोहब्बत करते हैं उतना ही मुसलमान को करते हैं, उतना ही सिख और ईसाई से करते हैं। अस्मी साहब, अभी हाल ही में आज ही बल्कि जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष और ब्लॉक के जितने भी जिम्मेदारान हैं सभी ने पार्टी सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने उनसे कहा था कि आप MIM को सपोर्ट करिए। जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम किसी भी सूरत में MIM को सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो एक कॉमनल पार्टी है। मानते इस बात को? नहीं, इस बात को हम इसलिए भी नहीं मानते हैं कि यहाँ पर देखिए कुछ लोगों का कहना है जी कि हम लोग पप्पू यादव के साथ नहीं रहेंगे जी। ये बात यकीन जानिए कि वो लोग बहुरूपी हैं, वो लोग किसी पप्पू यादव का आदमी है नहीं। अच्छा। वो RSS के आदमी है और पप्पू यादव को बदनाम करने के लिए, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए या असदुद्दीन को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचाया जा रहा है। ये 100% आप मान के चलिए कि वो कोई सेकुलर पार्टी का आदमी नहीं है, वो बिल्कुल 101%। चलिए आखिर में अस्मी साहब आपसे सवाल है, आमतौर पर सियासी गलियारों में ये चहमी गोइयां शुरू हो गई हैं कि इजहार अस्मी साहब ने अगर MIM का दामन थामा है तो कहीं ना कहीं उनका अपना निजी स्वार्थ है, क्या कहते हैं? न मर्तबे की ख्वाहिश न मुकाम चाहता हूँ, जो बदल सके जमाना वो निजाम चाहता हूँ। वो निजाम चाहते हैं, यानी आपका कोई इसमें स्वार्थ नहीं है? कोई स्वार्थ नहीं, मैं क्या, मेरा 3-4 पीढ़ी से लोगों का खिदमत करते आ रहा बिना मतलब का, कोई मतलब का लेकर के खिदमत नहीं करता है। आप लोग पूरे बिहार तो कम से कम जानते हैं कि इजहार अस्मी का जो फैमिली है वो बिना मतलब का लोगों को मदद करते हैं। तो ये थे इजहार अस्मी साहब जो राजद के सीनियर लीडर हैं, लगातार आपको ये बता रहे थे कि इनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, इनका अपना कोई लालच नहीं है, ये इलाके की तरक्की चाहते हैं, ये इलाके की फलाह और बहबूद के लिए अख्तरुल ईमान जो MIM के कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, उनको वोट करना चाहते हैं, उनको सपोर्ट करना चाहते हैं।